हाय एवरीवन, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि फ्रेजेस जो इंग्लिश में होती हैं उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है, कहाँ पर हम उन्हें कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वन इज आई एम सो प्लीज्ड टू मीट यू। ओके, तो हम किस तरह से अपनी जो इंग्लिश में बात करते समय कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ क्या बोलें, तो यहाँ बताई गई कुछ फ्रेजेज आपकी मदद कर सकती हैं, जिसमें से सबसे पहली फ्रेज जो है वो है आई एम सो प्लीज्ड टू मीट यू। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, हम मुलाकात के दौरान सामने वाले को आभार जताने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको किसी का आभार व्यक्त करना हो तो आप उन्हें कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट यू। ओके, आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेज़ वो है आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। ओके, मतलब मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है। तो ये भी एक फ्रेज़ की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को भी। इस फ्रेज़ को आप किसी की तारीफ में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हों जिसके बारे में आप दूसरे से पहले काफ़ी सुन चुके हों, लेकिन आपकी मुलाकात इनसे पहली बार हो रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स गुड टू हैव यू हियर, है ना। यानी हम कहीं पर मिले हैं किसी से और हमने उन्हें जैसे ही देखा तो हमने बोला इट्स गुड टू हैव यू हियर। तो ये कैसे होता है, मीटिंग के दौरान या फिर किसी पार्टी में किसी के साथ होना हमें जब सपोर्टिव लगता है तो इस फ्रेज़ का हम यूज़ करते हैं उस टाइम। ओके, इसका मतलब होता है ये अच्छा है कि आप यहाँ हैं, जिससे हमें भी कंपनी मिल जाती है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इट्स गुड टू हैव यू हियर। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज हैव वी मीट बिफोर, हैव वी मेट बिफोर, मतलब क्या हम पहले मिल चुके हैं। इसका यूज़ हम कब करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला हमें पहचानता है लेकिन हम नहीं। जब वह बात करे तो आप बेहद संजीदा लहजे में इस फ्रेज से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अगर कोई दूसरा आपको न पहचाने लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात हो चुकी है, तो भी हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, हैव वी मेट बिफोर। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स गुड टू सी यू अगेन। ओके, मतलब हमने अगर आप दोबारा मिलकर आपसे खुशी हुई ये कहना है हमें, तो हम क्या कहेंगे, इट्स गुड टू सी यू हियर और इट्स गुड टू सी यू अगेन। ओके, तो हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब आप पहले किसी से मिल चुके हों और वह अचानक आपको दोबारा कहीं मिले, जैसे किसी दोस्त के घर, तो आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज़ हाय व्हाट्स न्यू। ओके, सो हेलो, क्या नया चल रहा है, जब हमें ये पूछना होता है तो दो दोस्त हैं, दोस्त के बीच इस फ्रेज़ का प्रयोग मिलने पर आमतौर पर किया जाता है। इसमें आपका अंदाज बेहद कूल नज़र आता है, लेकिन इस फ्रेज़ को तभी बोलें जब आप दोनों के बीच कुछ अरसे बाद बात हो रही हो। ओके, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है दोनों दोस्तों को मिले, तो हम उनसे क्या कह सकते हैं, हाय व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज हाय लॉन्ग टाइम नो सी, मीन्स लंबे समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई। जब हम आजकल तो चैटिंग के दौर में भी ऐसा होता है कि बहुत दिनों से कोई दिखा नहीं है, किसी से बात नहीं हुई, तब भी हम कहते हैं हाय लॉन्ग टाइम नो सी। तो किसी से लंबे अरसे बाद आप मिल रहे हैं तो इस फ्रेज से आप अपनी शुरुआत करें, यह जताता है कि सामने वाले से मिलकर आप बेहद खुश हुए और उसे तवज्जो दे रहे हैं। ओके, थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई हमारी हेल्प करता है, हम उस टाइम थैंक्स सो मच इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो थैंक्स सो मच का एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, थैंक्स सो मच फॉर ड्राइविंग मी होम। ओके, किसी ने आपको घर छोड़ा है, घर तक छोड़ा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, थैंक्स सो मच फॉर ड्राइविंग मी होम। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट फ्रेज का यूज़ कब करते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फ्रेज टू थैंक समवन, फॉर एग्जाम्पल यू माइट से आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। ओके, किसी ने आपकी हेल्प करी है तो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज एज अ आई रियली अप्रिशिएट यूअर हेल्प, मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज एक्सक्यूज़ मी,
सो वेन यू नीड टू गेट थ्रू बट देयर इज समवन ब्लॉकिंग योर वे से एक्सक्यूज मी, ओके, बहुत सारी भीड़ लगी है, क्राउड है और आपको आगे जाना है, आप जरा जल्दी में हैं, तो आप बहुत ही पोलाइटली क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी। तो जो ब्लॉकिंग एरिया है वो क्या होगा कि वहाँ से लोग अपना जगह छोड़कर और आपको रास्ता दे देंगे, ओके, सो एक्सक्यूज मी ऐसे टाइम पर यूज़ होता है। यू कैन ऑल्सो से दिस फ्रेज टू पोलाइटली गेट समवन्स अटेंशन, ओके, किसी का अटेंशन अगर हमें लेना हो तो भी हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सक्यूज मी सर यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट, ओके, मतलब अगर किसी का पर्स गिर गया है, वॉलेट गिर गया और हमने देख लिया तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि हम उनका नाम भी नहीं जानते, वो हमारे परिचय में नहीं है, तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक्सक्यूज मी का, एक्सक्यूज मी डू यू नो वॉट टाइम इट इज़, अगर हमें टाइम पूछना है किसी से, हमारे पास वॉच नहीं है और हमने देखा है कि कोई सामने जो है व्यक्ति वो पहना है वॉच, तो हम उससे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी डू यू नो वॉट टाइम इट इज़, ओके, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फ्रेज का यूज़ कब करते हैं हम, यूज़ दिस फ्रेज टू अपोलोजाइज वेदर फॉर समथिंग बिग और स्मॉल, यूज़ फॉर टू गिव मोर डिटेल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी फॉर बींग सो लेट, हम किस लिए सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लेट हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर बींग सो लेट, ओके, तो ये हो गया एक फ्रेज का यूज़। अब आई एम रियली सॉरी कब यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं, यू कैन यूज़ रियली टू शो यू आर वेरी सॉरी फॉर समथिंग, ओके, मतलब कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे तो वो सॉरी से भी काम नहीं चलेगा, तो हम और रियली उसमें ऐड करते हैं, आई एम रियली सॉरी आई डिडंट इन्वाइट यू टू द पार्टी, किसी ने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करी और वो अपने बहुत ही खास फ्रेंड्स को या किसी कॉलीग को बुलाना भूल गया, तो व्यक्ति उनसे जब भी मिलेगा तो क्या बोलेंगे, आई एम रियली सॉरी आई डिडंट इन्वाइट यू टू द पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड